अगर आप गूगल एड्स सीख रहे हो या गूगल एड्स की सर्विसेज दे रहे हो किसी भी क्लाइंट को किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर डिटेल में बताने वाला हूँ मैं आपको कि आप किस तरह से गूगल एड्स के लिए गूगल कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल करके अच्छे से कीवर्ड सर्च कर सकते हो, और कौन से कीवर्ड्स आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं और कौन से कीवर्ड्स को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्किल स्टेशन। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट हर तरह का कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, वो भी एडवांस लेवल पे, तभी ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। लिहाजा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारा आने वाला हर कोर्स टाइमली मिलता रहे। तो गाइस आज के लेक्चर के अंदर हम गूगल कीवर्ड प्लानर, जो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है गूगल एड जब भी कोई हम रन करते हैं तो उसके लिए कीवर्ड को सर्च करने के लिए या ये देखने के लिए कि ये कीवर्ड कितना अच्छा है कितना स्ट्रांग है, ये जो टूल है हमें, साथ ही जो गूगल कीवर्ड्स के आइडियाज़ हैं उनका भी हमें काफ़ी कुछ ये डिटेल में बता देता है। अगर हमें आइडिया लेना हो कि हमारी इस कंपेन के लिए कौन सा कीवर्ड अच्छा रहेगा तो हम गूगल कीवर्ड प्लानर से हेल्प ले सकते हैं। गाइस कीवर्ड प्लानर के हमारे लेक्चर्स इंशाल्लाह दो पार्ट्स में होंगे, पहले पार्ट को हम आज डिस्कस करेंगे, सेकेंड पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं डिटेल में एडवांस लेवल पर एक एक चीज़ को आपको डिटेल में समझाऊंगा। बहुत सारे क्लाइंट्स, आपको सीखना क्यों है मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं सिर्फ इसी बेस पर किसी एक्सपर्ट को हायर कर रहे होते हैं कि भाई आपको कीवर्ड प्लानर कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना आता है, क्या आपको इसके इंटरफेस का अच्छे से पता है या नहीं पता है। अगर आप वाकई ही गूगल एड की सर्विसेज देके अर्न करना चाहते हो और इसमें मास्टर बनना चाहते हो, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कीवर्ड प्लानर को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका ऑप्शन हमें कहां पे मिलता है और कैसे हम फ्री टूल के जरिए से अपनी ऐड को बेहतर बना सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस अगेन रिमाइंडर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक एड कोर्स नहीं देखा है तो आई बटन के अंदर आपको नजर आ जाएगा, इसको जरूर देख लीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस मैं अब आपको ले आया हूँ अपने गूगल एड अकाउंट के ऊपर। मैं स्टार्ट में ही, अगर आप बिगिनर हो, आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जब भी आपने गूगल एड्स में कीवर्ड को सर्च करने के लिए या उसको प्लान करने के लिए आपने गूगल कीवर्ड प्लानर को इस्तेमाल करना है तो ये ऑप्शन आपको आपके एड अकाउंट के अंदर ही मिलता है। आपको अलग से गूगल पर जाके सर्च नहीं करना है कि गूगल कीवर्ड्स प्लानर। देखें बात समझें, ये है तो बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट, लेकिन जब मैं कोई चीज़ डिलीवर कर रहा हूँ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई मेरा कोर्स वो लोग भी देख रहे हैं जो भी बिगनर्स हैं। देखें मैं हर चीज़ को क्यों डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि जब आप कोई सर्विस दें या किसी क्लाइंट के साथ डिस्कशन करें तो आपको एक एक चीज़ का पता हो। अब देखिए गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाएंगे, देखिए इस पर हमारे दो लेक्चर्स होंगे, आज के लेक्चर के अंदर हम डिटेल में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और फिर सेकेंड लेक्चर में कुछ चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप गूगल कीवर्ड प्लानर को अच्छे से यूज कर सकते हो और आपने जब कीवर्ड्स की स्ट्रेटजी प्रैक्टिकली अप्लाई करनी है अपनी एड्स के लिए या किसी भी एजेंसी के लिए तो आप कभी मार नहीं खाएंगे। अब देखते जाएं, सबसे पहले हमें गूगल कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन, आपने यहां पे सर्च वाले ऑप्शन में आ जाना है, यहां पे आप आ जाएंगे जीटी वाले ऑप्शन में। दो तरीके से आप गूगल कीवर्ड प्लानर पे आ सकते हैं अपने एड अकाउंट के थ्रू। सबसे पहले यहां पे आके आप सर्च कर लें गूगल कीवर्ड्स प्लानर, ये देखिए नीचे आपके पास ऑप्शन शो हो रहा है, एक ये ऑप्शन है, आप इससे भी यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं आना चाहते, यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग वाला आपको ऑप्शन नजर आएगा गाइज, यहाँ पे भी आपको गूगल कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। आप गूगल कीवर्ड प्लानर पे यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ पे आके आपने क्लिक कर देना है। जैसे गाइज आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे आपके सामने गूगल कीवर्ड प्लानर ओपन हो जाएगा। मैं एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करूंगा, कोई भी पार्ट ना स्किप कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना है आपने, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई ऑप्शन मिस कर दें और वही मतलब इस वजह से आपकी ऐड अच्छा परफॉर्म ना करे। एक एक चीज को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग गूगल कीवर्ड प्लानर एक्सपर्ट ढूंढ रहे होते हैं कि भाई हमें जस्ट गूगल कीवर्ड प्लानर एक्सपर्ट चाहिए जो आके हमारे कीवर्ड्स को अच्छे से सर्च कर सके। तो आप देखते जाएं, देखिए यहां जैसे ही आप यहां पे आएंगे गाइस यहां पे आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड या गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। दोनों किस लिए हैं? ये इसलिए है कि अगर आपके माइंड में एक कीवर्ड है, मान लिया मैं डिजिटल मार्केटिंग की कोई कोर्स सेल कर रहा हूं, मैं केस स्टडी लेके जा रहा हूं, अगर मेरे माइंड में वो एक कीवर्ड है, अब मैं उससे नए आइडियाज लेने चाह रहा हूं कीवर्ड के, तो मैं इस ऑप्शन पे जाऊंगा। अगर मैंने कीवर्ड्स ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखे हैं, मैं देखना चाहता हूं उनका सर्च वॉल्यूम कितना है, उसमें कंपटीशन कितना है, उस पर बिडिंग जो मैं करूंगा जाके मुझे कितने रुपीज एक क्लिक पे मिले, मेरे खर्च होंगे,
यानी कि आपने ऐड चला दी गूगल पे, अब कुछ पे क्लिक करता है तो एक क्लिक पे आपका कितने पैसे खर्च होंगे, अब उसका आइडिया इस ऑप्शन पे जाके लोगे। लेकिन ये सारी चीजें आपको डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे जाके भी मिल जाती हैं। अब मैं यहाँ पे जाके गाइस क्लिक करता हूँ, जैसे गाइस मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आके आपने सबसे पहले अपना वो प्राइमरी कीवर्ड ऐड करना है जो या सर्विस। मान लिया कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स सेल करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। गाइस मैं प्रैक्टिकली साथ साथ करवा रहा हूँ, आप भी अपना गूगल कीवर्ड प्लानर ओपन कर लें और उसके साथ साथ मेरे साथ ये चीज़ें जो है आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कीवर्ड प्लानर के साथ। मैं इसके बाद यहाँ पे गेट रिजल्ट पे आके गाइस क्लिक कर दूंगा। देखिए लोकेशन मैंने क्या दी है, पाकिस्तान की, ये बाय डिफॉल्ट आ रही है। लैंग्वेज मैंने इंग्लिश सेलेक्ट की हुई है, लैंग्वेज आपकी बाय डिफॉल्ट इंग्लिश होगी। अगर किसी ने को चेंज किया तो इसको आके इंग्लिश में कर सकता है, अगर आप उर्दू में व्हाटएवर जो भी लैंग्वेज करना चाहें। लोकेशन मैंने पाकिस्तान की डाली हुई है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैं पाकिस्तान से ऐड चलाना चाह रहा हूं। अगर आपका कोई क्लाइंट यूएसए का है, यूके का है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हो। अब यहां पे गेट रिजल्ट पे आके गाइस क्लिक कर देंगे। जैसे गाइस मैंने यहां पे क्लिक किया, अब मुझे इस कीवर्ड की एक एक चीज वो डिटेल में बता रहा है। देखो रिफाइन कीवर्ड का एक ऑप्शन नजर आ रहा है आपको साइड पे, नजर आ रहा होगा गाइस, ये देखिए जिस पे मैं अपना कर्सर घुमा रहा हूं। इसको अभी के लिए मैं क्लोज करूं, इसको मैं लास्ट में जाके एक्सप्लेन करूंगा। अब गाइस यहां पे देखें, जैसे मैंने ये कीवर्ड सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मेरे इससे रेलेवेंट कितने कीवर्ड मेरे पास आइडियाज अवेलेबल हैं, ये देखिए यहां पे नजर आ रहा होगा आपको 1162, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। यानी कि यहां पे 1162 कीवर्ड अवेलेबल हैं, 1162 कीवर्ड्स आइडियाज यहां पे अवेलेबल हैं। अब आपने ऐसा नहीं करना कि इन सबको यहां पे सिलेक्ट करके डाउनलोड कर लो और इनको यूज करो, आप इसमें से फिल्टर करना है जो लगे कि आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, यानी कि आपका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, जिसका जिसका कंपटीशन सही है, आपको समझ आता है, या जिसका बजट आपको समझ आता है। मैं आपको वन बाय वन समझाता हूं। गाइस मान लिया ये कीवर्ड मैंने सर्च किया, नीचे इसके रिजल्ट्स आ गए। अब पहला ऑप्शन है डिजिटल, इससे कीवर्ड आइडियाज जो हैं, जो रेडीमेड कीवर्ड जो मैंने सर्च किया था वो था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब नीचे कीवर्ड आइडियाज आ रहे हैं, ये देखिए लिखा हुआ कीवर्ड आइडियाज, इससे मिलते जुलते सारे कीवर्ड नीचे आ रहे हैं। जो मैंने सर्च किया था गाइस, इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो है 10,000 to 1,00,000, यानी कि 10K से 100K तक इसका सर्च वॉल्यूम है, यानी कि 1,00,000 तक लोग इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। इसका मतलब इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है। अब नीचे जो डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट, इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 1K तक है, यानी कि 1,000 लोग इसको सर्च कर रहे हैं। मैं नीचे आते जाता हूँ, हम इसको देखते जाते हैं। ये देखें जितने भी कीवर्ड हैं गाइस, इनका ये सर्च वॉल्यूम बता रहा है कि इतने लोग इसको सर्च कर रहे हैं। लेकिन आपने कौन सा कीवर्ड सेलेक्ट करना है गाइस, मैं ये भी आपको साफ बताऊंगा जो आपके लिए बेहतर होगा। सेकंड कॉलम में आपको एक जो कीवर्ड प्लानर ये बताएगा कि भाई 3 month चेंजेस, यानी कि प्रीवियस क्या 3 month के अंदर, लास्ट 3 month के अंदर क्या इनकी सर्चेज में कोई चेंज आया, नहीं चेंज आया, 0%, 0%, यानी कि जितने इनका सर्च वॉल्यूम था उतना ही रहा, कोई चेंज नहीं आया। ठीक होगा गाइस, अब यहाँ पे देखिए कंपटीशन देख लें, फिर यहाँ पे कंपटीशन का कॉलम है, जो इंपॉर्टेंट कॉलम है ना गाइस यहाँ पे वो 3 है, कंपटीशन, उसके साथ साथ जो आपका इंपॉर्टेंट है वो होगा आपका सर्चेज कितनी है मंथली, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कॉलम होगा वो आपका बजट होगा, यानी कि जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं टॉप ऑफ द पेज बिड। मैं एक ही चीज को आपको समझाता हूँ, सेकंड 2 ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए, 3 बल्कि, कीवर्ड आइडियाज कॉलम, एवरी मंथ सर्चेज कितनी है वो, 3 month चेंजेस जो आई है वो क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि भाई मुझे जस्ट देखिए, ये जो यहाँ पे डेट नजर आ रही है ना गाइस आपको स्टार्ट में, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे कीवर्ड अपना लिखा था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मेरा कीवर्ड है, आगे लोकेशन है पाकिस्तान की, आगे लैंग्वेज है इंग्लिश, और उसके साथ साथ गाइस आगे डेट आ रही है। अब मैं इस डेट को चेंज कर सकता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करके मैं मान लेता हूँ कि भाई मुझे सिर्फ लास्ट मंथ का डाटा चाहिए, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब मुझे वो लास्ट मंथ का डाटा बता देगा कि भाई लास्ट मंथ इसके अंदर क्या क्या कितने सर्च वॉल्यूम थे इसके, कितने इसमें कंपटीशन था। हम अपने डिटेल यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आके डेट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने लेटेस्ट डेटा यानी कि 1 साल का डेटा आपने कम से कम चेक करना है। लास्ट 12 month पे मैं वापस आ जाता हूँ, यानी कि जनवरी से लेके 2023 दिसंबर से लेके जनवरी तक मैं यहाँ तक मतलब आ गया हूँ। ठीक है, ये मेरे पास 1 month का डाटा है, मैं 1 साल का डाटा भी ले सकता हूँ, 12 months का भी ले सकता हूँ, मुझ पर डिपेंड करता है गाइज। देखिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अच्छा, उसके बाद गाइज ऑप्शन में आपको वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे कंपटीशन देखिए, कंपटीशन इस कीवर्ड का है लो, सेकंड कीवर्ड का है लो, लो इसका है मीडियम। अब लो क्या गलती करते हैं, मेरी बात को समझिएगा, लो क्या करते हैं, लो कंपटीशन कीवर्ड की तरफ जाते हैं। अगर मैं अगर सेलेक्ट को ऐड चलाऊंगा या मेरा बजट ठीक होगा, मैं क्या करूंगा, मैं भाई ये नहीं देखूंगा कंपटीशन लो है या हाई है,
देखिए गाइस बात को टेक्निकली समझिएगा, मैं ये देखूंगा कि मेरा सर्चेज कितनी है। भाई सर्चेज अगर ज्यादा मेरी है, एक कीवर्ड जो मैंने सेलेक्ट किया है उसकी अगर सर्चेज ज्यादा है, लोग उसको सर्च ज्यादा कर रहे हैं, तो भाई डेफिनेटली मैं उसको सेलेक्ट करूंगा। अब कंपटीशन हाई हो या लो इससे मुझे क्या, मैं अब कैसे खेलूंगा, भाई मैं बिडिंग पे खेलूंगा। देखिए अगर टॉप ऑफ द पेज बिड लो रेंज पे आप जाओगे, इसी कीवर्ड की बात कर लेते हैं पहले की, इसको मैं फॉर एग्जांपल यहां पे सेलेक्ट कर लेता हूं, मैंने इस कीवर्ड को सेलेक्ट कर लिया। अब देखें गाइस इसका जो पहला कीवर्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इसको हमने डाउनलोड कैसे करना है मैं एक एक चीज बताऊंगा। अब देखें गाइस यहां पे टॉप ऑफ द पेज जो है वो इसकी जो मुझे एक क्लिक अगर कोई क्लिक करेगा तो मुझे कितने पैसे पड़ेंगे, 33 रुपीज पीकेआर में। अच्छा यहाँ पे अगर हाई बिड में जाता हूँ, यानी कि सर्च मैं कहता हूँ कि भाई मेरी एड जो है वो हाई बिडिंग पे जाए, ज्यादा कंपटीशन में जाए, तो वहां पे मुझे एक क्लिक पड़ेगा 6000 रुपये में। मैं कहूँगा भाई ये तो बहुत ही महंगा है। अच्छा नीचे आते हैं सेकंड कीवर्ड, ये देख इसको मैं अनसेलेक्ट करता हूँ, नीचे आता हूँ। अब देखेंगे डिटेल गूगल डिटेल मार्केटिंग पे आता हूँ, यह है गूगल डिटेल मार्केटिंग सेकंड कीवर्ड। अब इसका एक क्लिक पे मुझे कितने में पड़ेगा, 288 रुपये में, ये भी आपको ज्यादा लग रहा होगा। और अगर मैं लो बिड पे जाता हूँ तो ये 33 रुपये का पड़ेगा, और इसका जो कंपटीशन है लो है, और इसकी जो सर्च वॉल्यूम है वो है 1000 तक, सर्च वॉल्यूम कम है इसका। मैं इसके अलावा कोई कीवर्ड देख लेता हूँ, फंडामेंटल ऑफ डेटा मार्केटिंग कोर्स में इस पे आ जाता हूँ, इस पे आकर चेक कर लेते हैं हम लोग। मैं इस पे आता हूँ, आप देखेंगे इसकी जो सर्च वॉल्यूम है वो है 1000 से लेकर 10000 तक, कंपटीशन लो है, टाइम जो इसमें 3 मंथ चेंजेस इसको मैं इग्नोर करता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। अब यहाँ पे जो इसका एक क्लिक मुझे पड़ेगा वो पड़ेगा 6990 रुपये में, और अगर मैं लो बिड पे जाता हूँ तो 55 रुपये में पड़ेगा। अब इसको टेक्निकली समझिएगा गाइस, अगर मैं कोई अब कब मैं हाई बिड पे जाऊंगा, मैं कब ज्यादा क्लिक फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्लिक पे कब जाऊंगा कि भाई वो मुझे अगर महंगा भी पड़ता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, हम उस पर तब जाएंगे गाइज। अगर तो मेरा ऐसी मैं सर्विस दे रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा मुझे रिटर्न दे रही है, मान लिया क्लाइंट है वो एक चीज सेल कर रहा है जिससे उसको नेट प्रॉफिट हो रहा है 10000 रुपये का, अगर एक क्लिक पे उसकी 10000 का उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसके लिए क्या 6000 मैंने करेगा क्या, उसके लिए 288 रुपये कोई मीनिंग रखेंगे, नहीं रखेंगे। वो कहेगा भैया अगर 6000 मुझे प्रॉफिट मिल रहा है उसमें से अगर मेरा 2000 जा भी रहा है तो 4000 तो मेरे पास बच रहा है ना। टेक्निकली की बात को समझिएगा, आपने कौन सा कीवर्ड सेलेक्ट करना है, किस बिडिंग पे जाना है, किस क्लिक पर थ्रू लेट जो CPC है कौन सी आपने सेलेक्ट करनी है गाइस, ये आपने ध्यान में रखना है कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर आप बिगिनर हैं अपने आप को प्रमोट करें फिर तो भैया आप लो कंपटीशन और लो जो सस्ते कीवर्ड है आप उन पे खेलें, लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंपनी के लिए ऐड चला रहे हैं जिसको बजट से फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं भाईजान हमें ये क्लिक चाहिए ही चाहिए, हम कंपटीशन करने को तैयार हैं, जो हमारे मार्केट में कंपटीटर्स हैं मैं उनसे कंपटीशन करने को तैयार हूं क्योंकि मेरा प्रॉफिट ज्यादा है, अगर मुझे भाई 10 क्लिक मिलते हैं उनमें से 3-4 भी मेरी सेल्स मुझे मिल जाती हैं, 3-4 भी मेरे जो है कस्टमर हॉट कस्टमर बन जाते हैं, तो भाई मेरा इसमें फायदा ही फायदा है। मैं फॉर एग्जाम्पल 200 में एक क्लिक लेके आ रहा हूँ, मैं टोटल 3 क्लिक मिले 600 रुपये में, और मुझे जो प्रॉफिट हुआ 20000 रुपये का उसमें से 600 निकाल लो तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता। ये अब आपने सेलेक्ट करना है गाइस, अगर आप कोई सर्विस सेल कर रहे हो जैसे मैं फेसबुक ऐड की सर्विस दे रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ मैं मुझसे फेसबुक ऐड की सर्विस लो, मैं बात करूँ कीवर्ड की तरफ, मैं ऐड रन करता हूँ गूगल पे, अगर मेरा 500 खर्च भी होता है एक क्लिक पे, अगर मुझे कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाता है जो मुझे 10000 में सर्विस का पे कर रहा है तो मुझे 500 से क्या फर्क पड़ेगा गाइस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपकी प्लानिंग पे है टेक्निकली। तो आप मेरी स्ट्रेटेजी ये है, आप अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज भी कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी मेरी ये होती है कि भाई सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो, बजट मैं थोड़ा सा खुला रखता हूँ, अगर क्योंकि मुझे कंपटीशन जो है अगर देखें अगर सर्चेज ज्यादा है तो डेफिनेटली मैं अपने कंपटीटर्स को भी तो कंपटीशन में लेके आऊंगा ना, मैं उनसे मुकाबला करूंगा, ठीक है भाई। अगर अच्छा ऐसा नहीं है कि आपने अन्य वाला के कंपटीशन करना है, अब इसमें भी प्लानिंग है, अगर तो आपकी एक्सपर्टीज बहुत अच्छी है या आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आपको लगता है कि भाई अगर कंपटीटर्स के सामने आती है तो भाई बिकेगी बिकेगी, अगर आपको ये लगता है कि भाई आपने एड रैंक बहुत अच्छा किया है, एड रैंक का कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में दे चुका हूँ, एड रैंक में आपका क्रिएटिव आ जाता है, आपने इमेज क्या यूज किया है, आपने उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या यूज किया, कीवर्ड तो खैर हम इधर से सेलेक्ट करेंगे, तो एड रैंक में आपकी प्रोडक्ट्स की बेसिकली आपकी सर्विस की क्वालिटीज आ जाती हैं गाइस, तो एड रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो ये मैंने सारी चीजें गाइस आपको डिटेल में बता दी हैं। तो ये हमें यहाँ से यानी कि कीवर्ड प्लानर से इन चीजों का आइडिया मिलेगा, कीवर्ड आइडियाज मिलेंगे हमें, उसका वॉल्यूम कितना है सर्च वॉल्यूम वो बताएगा, कंपटीशन कितना है हाई या लो ये बताएगा, अच्छा एड इंप्रेशन शेयर ये हमें क्या बताता है गाइस, ये हमें तब वो कॉलम शो होगा जब हम एड रन कर जाएंगे ना, तब वो हमें ये बताएगा कि इस एड पे इतने इंप्रेशन, इस कीवर्ड पे इतने इंप्रेशन आपको मिले हैं,
इंप्रेशंस क्या होते हैं गाइस, मैं ऑलरेडी आपको फेसबुक ऐड कोर्स में भी बता चुका हूँ, अभी भी बता देता हूँ कि कितने लोगों की तरफ आपका ऐड गया है, कितने लोगों ने आपके ऐड को देखा या उसके साथ इंटरेक्ट किया है, वो एज ए इंप्रेशन होगा आपका। ठीक है गाइस, ये कॉलम आपको तब शो होगा जब आप ऐड चला चुके होंगे, उसके बाद आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं भाई इस कीवर्ड को मैंने सेलेक्ट किया था, मुझे इतने इंप्रेशन मिले। अच्छा गाइस, ये मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं। अच्छा जी, उसके बाद गाइस यहाँ पे आए थे हम, यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको मैं फिलहाल अभी के लिए क्लोज करता हूँ। अब मैं वापस आ गया हूँ, यहाँ पे गाइस एक ऑप्शन आपको नजर आएगा कीवर्ड व्यू का। अब इस ऑप्शन को समझेगा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ग्रुप व्यू। अगर मैंने फॉर एग्जांपल डेटा मार्केटिंग कोर्स के कीवर्ड सर्च किया था, मैं चाहता हूँ इससे रेलिवेंट कीवर्ड एक ग्रुप की फॉर्म में मेरे सामने आ जाए। देखिए ये रैंडम थे, ये कीवर्ड व्यू थे, इससे मिलते भी थे कुछ, इससे नहीं भी मिलते जुलते थे। मैं चाहता हूँ इसके क्लोज क्लोज कीवर्ड जितने भी है ग्रुप के फॉर्मेट में मेरे पास आ जाए। मैं यहाँ पे आकर सर्च करता हूँ ग्रुप व्यू, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे गाइस मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे सारे जितने भी से रेलेवेंट कीवर्ड होंगे वो ग्रुप की फॉर्म में आ जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब ये एक कीवर्ड के जितने भी ग्रुप से इसे मिलते जुलते सारे ग्रुप की फॉर्म में आ गए, उनको मैं एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आके गाइस डाउनलोड कीवर्ड्स का आइडियाज, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और ये डाउनलोड होकर मेरे पास आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, इनको एक साइड पे लिख लूंगा कीवर्ड्स को, या इसी को यूज करके अपने ऐड के अंदर ऐड कर दूंगा। तो ये है गाइस हमने इस कीवर्ड को कैसे डाउनलोड करना है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। लेकिन आप ग्रुप व्यू की तरफ भी तब जाएंगे जब आपकी गाइस देखिए बेसिक स्ट्रांग होगी। आपको जब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ना कि कीवर्ड के आइडियाज आपने लेकर यहां पे आना है, आइडियाज कैसे लेने में 5 मेथड आपको बताए थे, अगर नहीं वो वीडियो देखी तो अभी जाके देख लीजिएगा। अच्छा गाइस यहां पे ये ऑप्शन मैंने आपको समझा दिया ग्रुप व्यू क्या होता है। अच्छा उसके अलावा गाइस कॉलम वाला ऑप्शन भी आपको समझा देता हूँ ये किस लिए होता है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मुझे वहाँ पे सारे कॉलम नजर आ रहे थे ना, यू चेंज कंपटीशन, मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे कॉलम में ये चीज़ कंपटीशन नहीं देखना, मुझे 3 मंथ चेंजेस नहीं देखने, मुझे एवरी मंथ सर्चेज नहीं देखनी, तो इसको आप यहाँ पे अनचेक कर देंगे, वो फिर आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। जैसे मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, उसके अलावा गाइस मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैंने अप्लाई किया, आप देखिए यहाँ पे मुझे मंथली चेंजेस हैं वो गाइस यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। ठीक हो गया, मैं यहाँ से जो कॉलम उड़ाना चाहूँ मैं यहाँ पे आके कॉलम वाले ऑप्शन पे आके यहाँ से उसको उड़ा सकता हूँ, यहाँ पे ये होगी। ठीक हो गया गाइस, ये अब आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन गाइस बेसिक चीजें 3 ही होती हैं, देखें पहली चीज होगी आपका सर्च वॉल्यूम कितना है, तीसरी चीज जो होगी आपका कंपटीशन, थोड़ा बहुत मैं इसको ज्यादा खाते में नहीं लेके आता क्योंकि भाई कंपटीशन है तो है। अच्छा उसके अलावा ये जो बजट रेंज है मैं इसको देखता होता हूँ भाई, बिल्डिंग कितनी है, कौन कितना इस पर खर्च कर रहा है। ठीक हो गया गाइस, अब मैं वापस कीवर्ड व्यू पे आ जाता हूँ, मैं वापस कीवर्ड व्यू पे आ गया गाइस। ठीक हो गया, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है रिफाइन कीवर्ड्स, यहाँ पे आपको कीवर्ड प्लानर पे एक ऑप्शन मिलेगा रिफाइन कीवर्ड्स, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे गाइस मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखें जो ब्रांड और नॉन ब्रांड से रेलेवेंट कीवर्ड होंगे वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे एक साथ, ये देखें इससे रेलेवेंट कीवर्ड। अच्छा यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। अगर आप कोई सर्विस के लिए किसी के लिए ऐड चला रहे हो, आप कोर्स है कोई आपका या कोई सर्विस है, जैसे मेरी डाटा एनालिसिस की सर्विस है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मुझे उससे रेलेवेंट यहाँ पे गाइस कीवर्ड मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे नीचे इसको फर्दर भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ। अगर मैं कोई कोर्स सेल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कोर्स से रेलेवेंट कीवर्ड आ जाएंगे। जैसे मैं डेटा मार्केटिंग का कोर्स अभी बना रहा हूँ, तो यानी कि आपको कीवर्ड रिफाइन कीवर्ड वाले ऑप्शन पे जाके ये सारी चीजें गाइस यहाँ पे आके मिल जाती हैं। अब मान लिया आपने यहाँ पे ये कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे गाइस, अब यहाँ पे इस तरह का कॉलम आपके सिलेक्ट करने के बाद इस तरह का कॉलम आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब 3 ऑप्शन है, या तो आप इसको यहाँ पे कॉपी कर लें, कॉपी करके कहीं पे पेस्ट कर लें एक ऑप्शन, या तो आप इसको डाउनलोड कर लें आपके पास डाउनलोड होकर आ जाएगा दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन या तो आप ऐड कीवर्ड, आप इस कीवर्ड को डायरेक्टली किसी कंपेन के अंदर ऐड कर दें, ऐड कीवर्ड टू। ये मैंने इसको गाइस यानी कि अपने प्लान में ले आया हूँ, ये मेरे प्लान में है, इसको भी मैंने यूज नहीं किया लेकिन प्लान में है मेरे। अब मैं फॉर एग्जाम्पल इस कीवर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अगेन मेरे सामने वही कॉलम आ जाएगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि प्लान, यहाँ पे जो आपको प्लान का ऑप्शन नजर आया, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप इसको प्लान में रखना चाहते हो जैसे मैंने रखा है, या आप इसको ऑलरेडी जो आपकी कंपेन कोई आपने चलाई हुई है, मान लिया मैंने एक कंपेन चला दी है, अब मुझे बाद में याद आता है कि यार इस कीवर्ड को भी जो कीवर्ड प्लानर ने मुझे बताया इसको ऐड होना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग कंपेन होगी जो ऑलरेडी चल रही होगी मैं वहां पे आके क्लिक करूंगा, और जो मेरी ऑलरेडी कंपेन होगी उस पे आके मैं इसको क्या करूंगा ऐड कर लूंगा। ऐड ग्रुप 1, अगर आप किसी ऐड ग्रुप में ऐड करना चाहते हो जो ऑलरेडी हो तो आप उसमें भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको नया ऐड ग्रुप बनाना चाहते हो, अगर आपकी ऐड चल रही है, आप नया ऐड ग्रुप बना के उसमें कीवर्ड ऐड करना चाहते हो गाइस, आप यहाँ पे उसको भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद गाइस अब इसको किस मैच में रखना चाहते हो, ब्रॉड मैच या फ्रेज मैच में, किस में, आप यहां से इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस बेसिकली ये था हमारा गूगल कीवर्ड प्लानर, आज के लेक्चर के लिए इतने गाइस, इस पे हमारे 2 लेक्चर होंगे, कल भी इंशाल्लाह इस पे डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। आज बताने का मकसद था कि कीवर्ड प्लानर क्या है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, हमें किस तरह से इसको एक्सप्लोर करना है।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी डिटेल में इसको गाइस जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जो लोग भी फ्री में डेटा मार्केटिंग सीखना चाहते हैं गाइस, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और याद रखिएगा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इससे रेलेवेंट छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोज भी बनाता रहता हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।